तो अभी वहाँ से मैं निकला और यहाँ पे कुछ चिक्की विक्की लिया, तीन चिक्की जैसे आपको दिख रहा है। और ये तीनों मेरे को थोड़ा, ये भाई ने कम किया, वैसे कम नहीं होता, तो ये मेरे को दिया है 300 में, ये मेरे को 300 में मिला है। और इसके साथ एक और चीज़ मैंने लिया ये, और ये टोटल 340। तो इतना दूर आ गए तो मैं बोला थोड़ा चिक्की विक्की लेके जाते हैं, ठीक है। तो आगे अगर देखते वो फिश एक्वेरियम का अगर होता है तो वो जाते हैं, और उसके बाद फिर घर, बाय बाय। वहाँ से चिक्की लेने के बाद मैं जा रहा हूँ फिश एक्वेरियम, और यहाँ पे रिक्शे वाले से पहले पूछा था तो यहाँ पे थोड़ा भाव ज़्यादा है। तो कैसा है कि वहाँ पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे रिक्शा आपको मिलती नहीं है, तो अगर आप लोगों को वहाँ पे जाना है तो रिक्शा यहाँ पे बुक होता है, तो रिक्शा जैसे जाने का 100 लेता है और आने का 100 लेता है, 200 रुपीज लेता है। और होल्ड अगर मतलब वहाँ पे फ्री है, जैसे वो थोड़े टाइम वहाँ पे रुकेंगे ना तो वो फ्री समझो, मतलब 200 रुपीज लेता है। और अभी वो फिश एक्वेरियम वाला कितना लेगा वो नहीं मालूम है, तो वहाँ जाके आप लोग को दिखाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से कितना दूर है, 1.5 या 2 किलोमीटर दूर है यहाँ लोनावाला से। तो वहाँ से फिर जैसे घूम के हो गया उसके बाद देखते हैं कुछ और, अगर दिखने मिलता है तो देखते हैं, वरना फिर घर रिटर्न, ठीक है। तो चलो दिखाते हैं। अभी ये जो अंकल है इन्होंने हमें छोड़ दिया ये फिश एक्वेरियम, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 5 या 10 मिनट लगा होगा, बट 100 रुपीज़ उस हिसाब से ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे रिक्शा बहुत कॉस्टली, अगर आप लोग खुद की पर्सनल गाड़ी लेके आते हो तो फिर ओके है। और ये देखिए यहाँ पे ये हाईवे पे है, और बाहर का कुछ सीन ऐसा वहाँ से देखने मिलेगा पूरा एकदम बोर्ड, फिर थोड़ा थोड़ा अंदर जाते और देखते हैं फिर। और इसका टिकट चार्ज कितना है वो भी आप लोगों को बताते हैं। ये टिकट है और ये टिकट आपको मिल जाएगी 100 रुपीज़ पर पर्सन, तो आ सकते हो, 100 रुपीज़ लेके आना। लेकिन अच्छा पेटीएम वेटीएम कुछ लेते हो क्या, कैश पेमेंट और पेटीएम? पेटीएम नहीं लेते, कैश लेते हैं। तो ऐसा 100 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे कार्ड पेमेंट पेटीएम पेमेंट बिल्कुल नहीं होता, तो ये सोच के मत आना कार्ड पेमेंट फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इससे अच्छा कैश लेके आओगे तो सही है। तो ठीक है अभी अंदर जाते हैं कि अंदर का कैसा रिव्यू है, रिव्यू देते हैं और कितना खर्चा हुआ वो भी आपको बताते हैं, ताकि जो जिसके पास कम बजट है वो क्या क्या करें और जिसके पास ज़्यादा बजट है वो क्या क्या करें। ज़्यादा बजट है तो ये सारी चीज़ें बारे में मैडम बताएंगे, तो मैडम बताइए फिश के बारे में क्या फिश है। अभी ब्लैक मून फिश है जो कि ब्लैक है, पूरा है ना आर्टिफिशियल लैंड है, तो जो वाटर वाटर अच्छा। पूरा ऑरिजिनल, बट ये बाकी सब स्टोन्स वगैरह और आर्टिफिशियल है। और ये कौन सी फिश है? ये भी गोल्ड फिश है, बस इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, सिल्वर टाइप थोड़ा। हाँ बहुत छोटे हैं। और ये ब्लैक वाली? ब्लैक वाली ब्लैक मून, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक फिश, ब्लैक मून, ब्लैक मून। देखो ये ब्लैक मून है, ये गोल्ड फिश, और वो भी गोल्ड है, उसका थोड़ा कलर डल हो गया है। इसका नेचुरल प्लांटेशन है। अच्छा ये टाइगर नियॉन टेट्रा, ब्लू नियॉन टेट्रा, पूरे नेचुरल पूरे टेट्रा फिशेस है, जो कि हमारा डे नाइट कलर चेंज। कौन कौन सा है बताओ ना। अच्छा डे नाइट कलर चेंज करते हैं फिश। हाँ मॉस्किटो, मॉस्किटो नियॉन टेट्रा, सिल्वर नियॉन टेट्रा, ऑरेंज नियॉन टेट्रा, जैसे पूरे टेट्रा फिशेस है। और ये जो अंदर ये सारा पूरा नेचुरल है, ये जो अंदर देख रहे हो ना ये सारा लाइव प्लांट्स है, पूरा नेचुरल है और पैटर्न अच्छी है इसके अंदर। अंदर डाल दूँ क्या कैमरा? पानी क्या? नहीं वो कैमरा पानी का ही है। टाइगर फिश, टाइगर फिश, ये टाइगर फिश है पूरा, इसका पूरा कलर सेम टाइगर जैसा है। अच्छा ये सारी चीज़ें कहाँ गए आप, सुनो तो कहाँ घूम रहे हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से अवेलेबल होती है? इम्पोर्टेड, सब इम्पोर्टेड है, फिशेस वगैरह सब इम्पोर्टेड। तो मतलब हर जगह तुम्हें नहीं मिलेगी? नहीं,
सिर्फ यही फिश एक्वेरियम में इसके लिए यहाँ पे मिला। तो ऐसी फिश आपको हर जगह कहीं नहीं देखने मिलेगी, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो आप लोग, एक काम करो सब्सक्राइब करो और बाकी का डिटेल्स इंस्टाग्राम पे ले लो, फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और ये फिश है, ये टाइगर ऑस्कर फिश, येलो ऑस्कर फिश। ये टाइगर कलर देखो ना, अच्छा इसको पेंट तो नहीं किया है ना कि वो वैसे ही है। ये देख रहे हो क्या, टाइगर ऑस्कर फिश, ऐसा लग रहा है पेंट किया लेकिन ये सच में वैसा ही है। अच्छा अगर ये कुछ समय बाद अगर इसको देखेंगे तो वैसे रहेगा, कमर कलर डल गया है। कौन कौन सी है, कौन सी ये कौन सी है, ये येलो ऑस्कर है, और ये वो भी सेम बट कलर तो है, और ये टाइगर, टाइगर ऑस्कर। अच्छा ये नहीं, ऐसा चलती है ऊपर भी आता है, वो स्टिंगरे ही पॉइजनस रहता है। अरे बाप रे, क्या निकाल रहे हैं उसके आंखें, वो उस साइड में ही रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसा देखने में लग रहा है आर्टिफिशियल है लेकिन बट ये मूव कर रहा है पूरा प्रॉपर। और कौन सी फिश है मैडम? ये बेबी शार्क है, वाइट बेबी शार्क, ये बेबी शार्क, ब्लैक बेबी शार्क, फ्लोरा। और ये जो देख रही है हमको ब्लैक शार्क, और ये तो ऐसी बहुत ऐसा अंदर तक भी है। ये आपको सब नियॉन टेट्रा है, टाइगर नियॉन टेट्रा, ये भी पूरा नेचुरल प्लांटेशन है, वो ग्लास नियॉन टेट्रा है, इसे डे नाइट कलर चेंज करता है। कौन कलर चेंज करता है? ये पिंक कलर। अरे बाप रे, और रात में कौन सा हो जाता है? डिफरेंट कलर कोई भी। ये जो मच्छी है ना, ये फिश, ये जो पिंक दिख रहा है ये रात में चेंज करती है, ऐसे सात रंग होते हैं क्या ऐसा कुछ? हाँ, ये भी है। और ये पूरा नेचुरल प्लांटेशन है, देखो लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो डॉलर फिश, कौन सी फिश? ब्लैक एंजल फिश, काइट फिश। काइट फिश, हाँ उसका शेप भी पूरा काइट जैसा है। फिश है तो ये सारी चीज़ें, ये जो फिश है ये पूरे कलर चेंज करते हैं, देख रहे हो? और ये आर्टिफिशियल है कि ये भी नेचुरल प्लांटेशन है? ये है कोई फिश। इनके कलर्स देखो ना, पूरे मल्टी कलर्स हैं। और कौन कौन सी फिश है? ये सब कोई फिश है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, मतलब ये जैपनीज फिश है, अलग अलग डिफरेंट में रहते हैं कलर्स रहते हैं। चाइना माल मिला कि और बाकी सब चिकलेट फिश है, लेकिन इनके 200 कलर्स होते हैं चिकलेट। 200 कलर्स? हाँ। तो ये चेंज करते हैं या नहीं? फिश कलर ही, मतलब दूसरे फिश कलर का 200 कलर्स का दो। ये पैरेट फिश है, देखो कितनी अच्छी अच्छी मछली है। ये जो ये मछली देख रहे हो आप लोग, ये वाली, इसके 200 कलर्स वैरायटी है अलग अलग मछली के, तो आप खास खा भी सकते हो। और काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, रखा गया है। ये जो फिश है ये नॉन वेजिटेरियन है, उसके बाद भी फिश खाता है, तो फिर इसको नॉन वेजिटेरियन रख दो। इसको भी देखना, तुमको भी एक दिन कोई खाएगा। और अफ्रीकन लेंस, अफ्रीकन लेंस, यार ऐसी ऐसी मच्छी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। तो आपको अगर ऐसी कुछ फिश देखने तो आपको यहीं देखने मिलेगा, वरना आपको ऐसी फिश यहाँ कहीं नहीं देखने मिलेगी। और ये कौन सा है? कैटफिश है ना, ये फिश है। देखो ये फिश देखो, ऐसा लग रहा है कोई कपड़ा हिल रहा है। ये
फिश है, ये पिराना है और ये 10 मिनट में एक इंसान को खा सकते हैं। अच्छा लेकिन फिर इसको पकड़ के कहाँ से लाए? ये छोटे इम्पोर्टेड फिशेस हैं, इनको अलग ही लाइसेंस तो। ये तो बहुत फास्ट होते हैं मैंने सुना, और वो फास्ट है, वो दिख भी रहे, तो कुछ डाल नहीं सकते हैं। ये ब्लैक एंजल है और ये वाइट एंजल फिश है, और ये सारे आर्टिफिशियल पत्थर हैं जो इन्होंने खरीद के लाए। ये गोल्ड अरवाना है, गोल्ड अरवाना फाइटर फिश है, ये भी है ना नॉन वेजिटेरियन। तो आपको बस इतनी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, अभी तो हम लोग ने सिर्फ ये वीडियो के लिए देखा, एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं और बस फिर उसके बाद और कुछ दिखाने मिलता है तो दिखाते हैं। ये मैम थी, क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। तो ये मैम से मिल सकते हो अगर आप ये जगह पे आओगे तो। चलो बाकी की डिटेल्स आपको आगे देते हैं, थोड़ा एक बार और मैं देख लेता हूँ, उसके बाद रिक्शा लेते हैं, जो रिक्शा आई है उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं घर के लिए।